पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र, स्तोत्र, ज्योतिष आदि सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु को, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके आल के निशान को दबाएं। नमस्कार प्रिय मित्रों, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक बार पुनः आप सबको यह बताने के लिए कि भगवती का नवरात्रि में सहस्रार्चन किस प्रकार से करें। नवरात्रि में आप माता दुर्गा का सहस्रार्चन किस प्रकार से करें, यह आप सबको बताने के लिए उपस्थित हूँ एक बार पुनः आप सबके समक्ष। सहस्रार्चन पूजन में कोई भी पूजन हो, देवी या देवताओं का पूजन हो जाने के पश्चात सहस्रार्चन अवश्य करना चाहिए। पूजन का एक विशेष अंग है सहस्रार्चन भी। अगर 1000 नामों से सहस्रार्चन ना किया जा सके तो कम से कम भगवती के 100 नामों से उनको पत्र, पुष्प या कुछ अन्य द्रव्य अवश्य पूजन में समर्पित करना चाहिए। सहस्रार्चन का अर्थ है किसी भी देवी या देवता के 1000 नामों से उनका अर्चन करना। सहस्र का अर्थ है 1000 और अर्चन का अर्थ है पूजा। सहस्रार्चन अर्थात सहस्र अर्चन किस प्रकार से करें। सहस्रार्चन भगवती का सहस्रार्चन आपको करना है। अगर आप भगवती का सहस्रार्चन करना चाहते हैं तो भगवती का सहस्रार्चन सबसे पहले आप सिंदूर से कर सकते हैं। सिंदूर ले लीजिए, जो सिंदूर देवियों को समर्पित करने वाला सिंदूर होता है, स्त्रियां जो अपने मस्तक पर लगाती हैं मांग पर, उस सिंदूर को ले लीजिए। और भगवती के 1000 नाम आपके पास होने चाहिए, इंटरनेट पर मिल जाएंगे, वहां से आप भगवती के 1000 नामों को पा सकते हैं। किस प्रकार से करना है सहस्रार्चन, पहले तो आपको पूजन कर लेना है, पूजन के बाद ही सहस्रार्चन करना है। अब यहां से जानिए सहस्रार्चन की विधि। भगवती की जिस प्रतिमा पर आपने पूजा की, कोई ना कोई तो प्रतिमा होगी जिस पर आप पूजन कर रहे हैं नवरात्रि में, उस प्रतिमा को जहां पर वह अभी आसन में विराजमान है, एक किसी नए आसन पर विराजमान करें अपने सम्मुख। उस आसन से उठा करके भगवती को अपने समक्ष रख लें और किसी ऐसी जगह पर रखें जो साफ हो। जैसे आप अब भगवती का सहस्रार्चन सिंदूर से करेंगे तो जो सिंदूर आप उनको चढ़ाएंगे वह वहीं गिरता रहे, आप उसको बाद में प्रयोग में ले सकें, भर सकें सिंदूर को। तो करना यह है कि भगवती को उनको पहले यथा स्थान से उठा करके, जहां पर आपने उनको रख करके पूजन किया है उस स्थान से उठा करके अपने समक्ष रख लें और 1000 नाम भगवती के अपने सामने खोल लें और जिस भी द्रव्य से सहस्त्रार्चन करना है वह अपने पास रख लें। सबसे पहले आपको बता दूं सिंदूर से सहस्त्रार्चन करने के लिए सिंदूर अपने पास एक एक चुटकी सिंदूर, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में सिंदूर भगवती को समर्पित करना है। किस प्रकार से समर्पित करना है, उनके प्रत्येक नामों को लेते हुए। जैसे 1000 नाम है भगवती के, सहस्रार्चन का अर्थ ही है 1000 नामों से अर्चन करना। जैसे पहला नाम भगवती का है ओम दुर्गा जय नमः, तो इतना बोलेंगे ओम दुर्गा जय नमः, एक चुटकी सिंदूर भगवती के चरणों में समर्पित कर देंगे। अगला नाम ओम दुर्गा हंत्रय नमः, एक चुटकी सिंदूर पुनः भगवती के समक्ष छोड़ देंगे। इसी प्रकार से सहस्त्रार्चन करना है। यह तो रहा सिंदूर से सहस्त्रार्चन, विधि सभी जगह यही रहेगी सहस्त्रार्चन की। और सिंदूर के अलावा आप किस किस द्रव्य से सहस्त्रार्चन कर सकते हैं भगवती का, तो दूसरा है भगवती का सहस्त्रार्चन आप अनार के दानों से कर सकते हैं। अनार के दाने निकाल लीजिए, एक एक दाना, या इच्छा करें तो एक से अधिक दाना, एक दाना थोड़ा सा कम लगता है, एक दाने से अधिक भी आप दो तीन दाने रख सकते हैं, दो तीन दाने हाथ में लिए। इसी प्रकार से भगवती का एक नाम उच्चारित किया, उनके समक्ष एक अनार का दाना रख दिया, दूसरा नाम बोला, दूसरा दाना वहीं पर रख दिया। इसी प्रकार से क्रमशः धीरे धीरे भगवती के 1000 नामों को बोलते हुए सहस्रार्चन करना है। इसी विधि को कहते हैं सहस्रार्चन करना। तो सिंदूर से भगवती का सहस्रार्चन कर सकते हैं, अनार के दाने से कर सकते हैं, तीसरा मिश्री से कर सकते हैं, चौथा किशमिश से कर सकते हैं, पांचवा बादाम काजू आदि से कर सकते हैं। इन द्रव्यों से आप भगवती का सहस्रार्चन कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आल के निशान को दबा लें, जिससे हमारी सारी आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहा करेगी। आज्ञा दीजिए, पुनः मिलता हूँ आपसे नई वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।